और अब खबरें विस्तार से। सीतगुड़ा थाना की एसआई वासुदेव मेहता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 18,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। ब्यूरो का इस माह ये दूसरा शिकार है। सीतगुड़ा के एसआई वासुदेव मेहता ने गोलमुरी के रहने वाले नूर आलम नामक व्यक्ति से 25,000 रिश्वत की मांग की थी, वरना केस में फंसा देने की धमकी दी थी। परिवादी ने इसकी शिकायत ब्यूरो से की तो एसआई को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और मंगलवार को उसे 18,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी मनोज कुमार ने बताया, एक कंप्लेंट हमारे पास आए थे मोहम्मद शेख अयूब करके, उन्होंने कहा कि सिंधुआ थाने में पदस्थापित है कि एएसआई है वासुदेव मेहता, वो किसी काम के वश में इनसे 25,000 रुपये घूस की मांग कर रहे हैं और इनको काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है। तो इसमें ये हम लोगों से संपर्क किया और बताया कि हम लोग देना नहीं चाहते हैं रिश्वत, और इसके बारे में हम लोगों ने फिर इसको वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के बाद हम लोगों ने इस बात को सच पाया और आज हमारी थावा दल ने जाकर के उनको रंगे हाथ 18,000 रुपये लेते हुए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। भूमि सुधार राजस्व कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर समरणालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। पदोन्नति समेत 10 विभिन्न मांगों के समर्थन में भूमि सुधार राजस्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने एक दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक रखा। उनका नेतृत्व कर रहे मुकुल वर्मा ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पर बैठे हुए हैं हम लोग का 10 सूत्री मांग है जो बहुत दिनों से चीर लंबित है। बहुत दिनों से हम लोग का ये मांग माना नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें उसमें प्रमुख रूप से हम लोग चाह रहे हैं कि पुलिस, जैसे पुलिस क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, वैसे हम लोगों का भी एक गाइडर का निर्माण हो और अंचल निरीक्षक में 100% कर्मचारियों को प्रमोशन मिले। अभी ऑनलाइन सभी सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं जिसमें ऑनलाइन के लिए सभी व्यवस्थाएं हमें पूर्ण रूप से मिले, क्योंकि सर राइट टू सर्विस के एक्ट के तहत हम लोगों पर पनिशमेंट का तो सरकार ने अधिकार ले लिया है। हमारे पेमेंट से सरकार डिडक्ट कर दे रही है पैसे को, लेकिन सुविधा के नाम पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ समेत अन्य मुद्दों को लेकर आदिवासी महासभा ने गणतंत्र दिवस समारोह के बहिष्कार करने की घोषणा की है। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन और मूल वासियों के अधिकारों के हनन को लेकर आदिवासी महासभा के बैनर पर आदिवासी समाज के लोग गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार करेंगे। उक्त बातें महासभा के अध्यक्ष कृष्णा हांसा ने प्रेस वार्ता बुलाकर कही। हम लोग गणतंत्र दिवस में सम्मिलित नहीं होने के संबंध में आज यह संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से यह सरकार या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति को हम लोग यह अवगत कराना चाहते हैं कि आदिवासी पूरे भारत के 9 राज्यों में हम लोग आज नाखुश हैं, जिसकी जमीन उसकी खनिज 2013 का भी ये लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और इस दुखी के कारण हम आदिवासी 9 राज्यों में हम ग्राम सभा के साथ अपने स्वशासन व्यवस्था के साथ इस राष्ट्रीय त्योहार में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं एवं अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने का हम लोग यह सरकार को सूचनार्थ हेतु आज संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। इलाहाबाद में डॉक्टर की हत्या के विरोध में मंगलवार को शहर के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मालूम हो कि 15 जनवरी को इलाहाबाद में डॉक्टर ए के बंसल की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। इसके विरोध में शहर के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। आईएमए जमशेदपुर के सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि घटना दुखद है और राज्य में उन्होंने डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग सरकार से की है। आज हम राष्ट्रव्यापी जो है सो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद में डॉक्टर ए के बंसल का चैंबर में ही गोली मार के हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग जो आज एक दिवसीय काला बिल्ला लगा रहे हैं। हम लोग का डिमांड है कि कल्पित जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो मर्डर जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि समाज के अन्य लोगों के ऊपर जो है सो इस टाइप का घटना नहीं हो और समाज स्वस्थ वातावरण में काम करें। और क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का मांग हो, जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए ताकि जो है सो
आए दिन जो सो चिकित्सकों के साथ या पार्लियामेंट्री स्टाफ के साथ ऐसा होता है, ये नहीं हो, और इससे चिकित्सकों का नहीं पूरे समुदाय का फायदा है। सरकार ने प्रतिदिन कैश विड्रॉल को 4,500 से बढ़ाकर 10,000 तो कर दिया है, पर सप्ताह में अब भी आम लोग 24,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल पाएंगे। नोटबंदी के बाद अपने ही पैसे निकालने में पाबंदी से लोगों में रोष देखा जा रहा है। इधर सरकार ने एक दिन में 4,500 को बढ़ाकर 10,000 तो कर दिया है, पर एक सप्ताह में 24,000 की पाबंदी अभी भी जारी है। लोगों का मानना है कि 24,000 को बढ़ाया जाता तो शायद राहत मिलती, क्योंकि कामकाजी लोगों के पास इतना वक्त कहां होता है कि वे बार बार बैंकों का चक्कर लगा सके। SBI बिष्टुपुर शाखा का प्रबंधक मुकुंद झा ने कहा कि भीड़ तो कम हुई है, मगर 500 और 100 नोटों की कमी अभी भी जारी है। तो 16 तारीख का नोटिफिकेशन है, इससे लागू है। तो देखिए ये है कि दो बार अगर जरूरत है तो निकाल, ऐसे भी काफी था तो 4,500 भी था तो, लेकिन जरूरत था तो वो आप एक दिन में बदले दो दिन में निकाल देते हैं। अब है कि एक दिन में ही निकाल सकते हैं। बढ़ाने के लिए तो वो चाह रहे हैं कि भाई ये बिक्री का जो लिमिटेशन है वो खत्म किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अर्जेंसी में उनको जरूरत पड़ जाता है ज्यादा का, तो उसमें वो अपने जितना खाता में होता तो निकालने के लिए हकदार हैं ही, तो वो समस्या से भी उनको निजात मिल सकता है। लेकिन 24,000 का साप्ताहिक जो रखा गया है कुछ दिन तो चल सकता है, लेकिन सरकार इसमें भी बाद में वो रिलैक्स ही देंगे, क्योंकि इससे तो प्रॉब्लम रहता है। अब कोई वैसा नहीं रह गया, नॉर्मल भीड़ है। उधर बैंकों में आए लोगों से न्यूज टाइम्स के संवाददाता ने बातचीत की तो वे सरकारी फैसले से नाखुश नजर आए। क्या लग रहा था, क्या फायदा हुआ आपको? कोई फायदा नहीं हुआ, हल्का सा लिमिट बढ़ा दिया गया लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। किस लिए? सबसे बड़ा बात है, जो जरूरत का खर्च है एक बार में, हम तो एक साथ 1,00,000 या 5,000 निकालने वाले आदमी नहीं है। हमारा तो जो जरूरत का जो लिमिट है वो हमको एक बार मिल जाने से बार बार कितना बार बैंक दौड़ेगा, वो बढ़ा देना बेहतर रहता है। कौन चीज क्या बढ़ाना था? वो 24,000 बढ़ाना बेहतर रहता है। क्विकली वाला जो है ATM से, हाँ, और उसको लिमिट बढ़ा देना चाहिए था। एक्चुअली जो बैंक से जो चेक वाले हैं वो लिमिट बढ़ा देना चाहिए था, वो बेहतर होता है। कि आखिर लिमिट तो वही है, 24,000 ही है, 4,500 की जगह में 10,000 ATM से निकाले, बट एक सप्ताह में तो हम 24,000 ही निकाल पाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं 4,500 की जगह में 24,000 की लिमिट बढ़ा दिया जाता तो कहीं कारगर होता। इसलिए कि हम एक दिन बैंक में आते, एक चेक से हम 24,000 ज़्यादा ले लेते, ये तो ATM की बात हो गई ना, बेगारी की तरह हम आए और डेली अपना ATM को ही हम बार बार यूज कर रहे हैं, आज 4,500 कल 10, अरे आखिर तो 24,000 निकालेंगे ना, ये तो कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने की जैसा लग रहा है। अबकारी विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी कर अवैध रूप से पीने पिलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक प्रेम प्रकाश ने कहा कि अभियान अभी लगातार जारी रहेगा और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कितने लोगों को पकड़ा गया है? ये आयुक्त की तरफ से हम लोग को निर्देश मिला था कि इसके लिए मैं अभी रेड करना है, और इसके तहत हमने बिष्टुपुर थाना को लेकर टीम बनाई, उसका फिर गतिविधि के स्थान पे हम लोग ने कई जगहों पे छापामारी की, जिसमें 2-4 अभियुक्त अभी पकड़ाए गए लोग, अब आगे अनुसंधान जारी है इस मैटर पे। कुछ माल भी पकड़ाया है? हाँ, थोड़ा सा पकड़ाया है, पर वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, 2-4 बोतल ही था। जुस्को द्वारा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह का मंगलवार को अंतिम दिन था। इसके तहत जुस्को द्वारा लगातार लोगों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों का अनुपालन करने के लिए वे वाहन चालकों से अनुरोध भी कर रहे हैं, साथ ही पैम्पलेट का वितरण भी किया जा रहा है। पूरे सप्ताह सेफ्टी वीक, मतलब 11 तारीख से 17 तारीख तक, आज लास्ट डेट है, इसमें पूरे नेशनल सेफ्टी रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें हम लोग डिस्को लेवल पे हर जगह रोड सेफ्टी वीक का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक हफ्ते से आप लोग कर रहे हैं, क्या परिवर्तन है? परिवर्तन तो अभी कुछ दिन के बाद समझ में आएगा, लेकिन लोगों में काफी जागरूकता हुआ है कि हेलमेट पहनना, सेफ्टी बेल्ट पहनना, ये लोग को बताया जा रहा है, लोग कोशिश भी कर रहे हैं, पहन रहे हैं लोग, फिर भी अभी भी कुछ कमी है, लोगों में जागरूकता का कमी है, और ये कंटिन्यू हम लोग सालों भर करते रहेंगे। जोयदा बूढ़ा बाबा मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में खरसवां के राजा ने किया था। 1977 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। जोयदा बूढ़ा बाबा मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। 18वीं सदी में इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना खरसवां के राजा ने किया था। दंत कथा है कि राजा इस स्थान पर आखेट खेलने आते थे। एक दिन उन्हें बूढ़ा बाबा ने सपने में दर्शन देकर मंदिर की बात बताई। राजा ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया।
उस समय से यहां भक्तों की आवाजाही है। कालांतर में मंदिर ब्रह्मानंद स्वामी के आश्रम में तब्दील हो गया था। फिर 1977 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। सनातन धर्मावलंबियों की आस्था इस मंदिर से प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। मेरा भी कीजिएगा। तेरा तो ले भी कर रहे हैं। एक मिनट दादा, एक मिनट, सभी को आराम से बैठने दे। हमारा भी लीजिएगा। हम करीबन जोधा में बाबा जी आ रहे हैं ये 20 बच्चर से, समझ गए। मेरा अपना आश्रम हुआ धनबाद, झारखंड कतरास सूर्य मंदिर। मेरा नाम हुआ गट्टी बाबा। तारापीठ से बिलोंग करता हूँ, वामदेव तारा का नाम का जाप करता हूँ। और इस तरह के सनातन धर्म में जितने अपने गुरु भाई लोग का मठ है उन जगह जाके अपना प्रदर्शन करता हूँ, चीले बच्चे लोग से अपना मिलता हूँ। गट्टी बाबा मेरा नाम है। पाणिल अनुमंडल में स्वर्णरेखा तट पर लगे हुए टूसू मेले में सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दराज से आ रहे हैं। यहाँ का जोयदा बूढ़ा बाबा मंदिर भी आकर्षण का केंद्र है। चाणिल अनुमंडल में दलमा से सटे पहाड़ी की तराई में स्वर्णरेखा नदी के तट पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टूसू मेला 15 जनवरी से धूमधाम से चल रहा है। पूरे झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल से भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, मेले में घूमते फिरते हैं, लुत्फ उठाते हैं। साथ ही जोयदा बूढ़ा बाबा मंदिर का दर्शन करना भी नहीं भूलते हैं। जोयदा मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है, लोग यहां मन्नत मांगते हैं। मंदिर NH-33 से भी दिखाई पड़ता है। यहां इस अवसर पर दूर दूर से साधु संत भी आते हैं। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, प्रशासन द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मेले और आसपास सादे लिवास में भी पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं। जा আমাদের 12 মাসের 13 পার্বণের টুসু পরব যা আমাদের সব দিনের ঐতিহ্য পরব। মানে আমাদের পাড়া গ্রাম থেকে শুরু করে জঙ্গল মহলটা পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া তিনটা জেলায় বিশেষ করে এই টুসু পরবটা আমরা প্রাধান্য দিই।